नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी की संगम नगरी प्रयागराज से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो न कि दिल को झकझोर देने वाली हैं बल्कि सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़ी करती हैं। हालांकि प्रयागराज से सामने आई यह तस्वीर कोई पहली ऐसी तस्वीर नहीं है, ऐसी तस्वीरें राजधानी से सटे सीतापुर जनपद में भी कई बार सामने आई हैं। सीतापुर की तस्वीरों में क्या देखा गया, आइए इससे पहले जान लेते हैं प्रयागराज की तस्वीर के बारे में। बताते हैं कि प्रयागराज में खाना बदोश जिंदगी गुजारने वाले एक परिवार में महिला की मौत हो गई। परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर नहीं गए बल्कि महिला को झाड़ फूक कराने वाले एक ओझा के पास ले गए। ओझा महिला पर अपनी झाड़ फूक की प्रक्रिया को शुरू करता है, इससे पहले ही महिला की मौत हो गई। इसके बाद महिला का शव उसके ससुर और बेटे ने कपड़े में लपेटा और एक डंडे में बांधकर शव को झोली में लटकाकर पैदल ही घर से चल दिया। एक महिला के शव को इस तरह से ले जाता देख हर कोई चौंक गया। कुछ लोगों को इसे जानने की उत्सुकता बढ़ी तो उन्होंने रोककर पूछताछ की, तब जाकर मामला समझ में आया। फिर इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस को परिजनों ने जो कहानी बताई उससे सभी का दिल भर आया। पीड़ित परिजनों के मुताबिक वह परिवार बनारस का रहने वाला है, लेकिन इस परिवार का ना तो कोई घर है ना ही कोई स्थानीय ठिकाना। परिवार के सदस्य भीख मांगकर जैसे तैसे गुजर बसर करते हैं। परिवार की बहू अचानक बीमार हुई तो परिवार के सदस्यों को किसी ने प्रयागराज के एक ओझा के बारे में बताया। क्योंकि परिवार के पास मोटी रकम नहीं थी तो उन्होंने चंद रुपयों में एक टैक्सी बुक की और झाड़ फूक करने वाले ओझा के पास जा पहुंचे। लेकिन यहां कोई तांत्रिक उपचार होता इससे पहले ही बहू की मौत हो गई। बताते हैं उस परिवार के पास पैसे बिल्कुल नहीं थे जो किसी वाहन का सहारा लेकर वह वापस अपने घर जा सके, इसलिए शव को लेकर किसी नजदीकी शमशान घाट ले जा रहे थे ताकि वहां महिला का अंतिम संस्कार किया जा सके। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही यह तस्वीर सरकारी सिस्टम को आईना दिखा रही है। हालांकि आई इंडिया वायरल हो रही इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता है। बहरहाल यह तस्वीरें समाज को बहुत कुछ सोचने पर भी मजबूर कर रही हैं। आइए अब यह भी जान लेते हैं कि यूपी के सीतापुर में भी कई तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं जब शव को कभी ई रिक्शा कभी बाइक पर ले जाते देखा गया है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइएगा। आपके लिए यह जानकारी जुटाई है आई इंडिया के सहयोगी अविनाश चंद्र मिश्र ने और कैमरे के पीछे हैं हसन गोगा। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज कुतुब नगर सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।